तो हम दिल्ली में ऐसे बहुत जगह पार्क बनाया गया है जिससे लोग सुबह सुबह एक्सरसाइज और शाम के समय अपना टाइम वेस्ट यहाँ पे आके लोग करते हैं। तो आप लोग को आइए ये आज ये पार्क हम दिखाना चाहते हैं, ऊपर दिखा दिल्ली विकास प्राधिकरण सुंदर विहार पश्चिम बिहार में है और इसका एड्रेस बता दें तो यहाँ पे जस्ट ये LIC कॉलोनी है उसके जस्ट सामने ये सुंदर विहार का पार्क है। तो चलिए आपको अंदर लेके चलते हैं और आज लोगों से पार्क के साथ पार्क भी घुमाएंगे और लोगों से तीन चीज़ पर बात करेंगे, जैसे कि दिल्ली के सरकार ने यहाँ पर 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखा है, पानी फ्री कर रखी है और महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री कर रखा है। तो क्या ये दिल्ली में पूरी तरह से नियम लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आइए लोगों से बात करेंगे। तो दिल्ली में जो भी लोग आते हैं तो पहला मास्क लगाकर और दूसरा सैनिटाइजर लेकर जरूर आएँ। तो चलिए इसी गेट से प्रवेश करना है, तो इस तरह से गेट को टच नहीं करना है और ऐसे करके एंट्री करना है। आ जाओ, तो गेट से एंट्री कर रखे हैं और देख सकते हैं तो इस तरह से एक पट्टी बनाई होगी, इसमें तीन से चार लेयर बनाया गया है, लोग इस पर दौड़ते हैं, लोग टहलते हैं और इसमें बहुत ही अच्छा अच्छा झूला बनाया हुआ है। चलिए आप लोग अंदर दिखाते हैं और लोगों से ही बात करेंगे कि ये भाई साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं तो और भी ऐसी तमाम कुर्सियाँ लगी हुई हैं, लोग यहाँ पे आकर बैठते हैं और अपनी अपने घर का जो भी मैटर है यहाँ पे चर्चा करते हैं। तो ऐसे देखिए कुर्सी भी लगा हुआ है और साफ़ सफाई का भी बहुत ध्यान रखा गया है, यहाँ पे देखिए बिन भी है, लोग को यहाँ पे अपनी समझदारी होना चाहिए कि हम जो भी डस्ट करते हैं डस्टबिन को, कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। तो आप लोग से भी कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि कूड़े को डस्टबिन में ही डालें। पर आप दिखाइए इस कुटिया को, ये लग रहा पहले का ज़माने का एक अभी कुटिया बनाया गया है और ये हमारे रामायण काल का याद कर देता है, जैसे कि हमारे प्रभु राम 14 बरस वनवास किए थे, इस तरह का कुटिया में इस कूट सकते हैं कुटिया, इस पर थोड़ा अभी काम चल रहा है और काफ़ी अच्छा लग रहा है कि एक काफ़ी बड़ा पार्क है और उसमें एक छोटा सा कुटिया बनाया गया है, इसमें काफ़ी इसमें बैठकर आनंद ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आके बैठ सकते हैं और लोग यहाँ पे बातें कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा बनाया गया है, एक बार दिखाइए यहाँ से। काफ़ी अच्छा कुटिया बनाया गया है, इस पर आने के बाद लगता है कि अलग सा सुकून मिलता है और ये पहले का ज़माने का है तो और अलग सा देखने को मिलता है, जैसे रामायण काल में हम लोग को देखने को मिलता था कि किस तरह से पहले के लोग अपना जीवन यापन किया करते थे और ये पुरानी याद हमें ताज़ा करने को मिलता है। ये दिल्ली का पार्क मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि दिल्ली की सरकार मतलब कि जो जिम नहीं जाते हैं तो यहाँ पे अपना फिजिकल यहाँ पे आके बना सकते हैं, सुबह से शाम तक एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक बार हम कैमरामैन से बोलेंगे कि भाई एक बार चारों पट्टी से दिखा दीजिए एक बार इस पार्क। काफी लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लगा इस कि पार्क के साथ लोग टहल भी सकते हैं और अपना हल्का फल्का फिटनेस इसमें बना सकते हैं। तो आइए एक एक करके दिखाते हैं कि किस तरह से इसे आप यहाँ पे आएंगे तो इसे एक्सरसाइज करके अपना बॉडी को फिट कर सकते हैं, जो कि अब करके दिखाएंगे कि किस तरह से ये एक्सरसाइज को किया जाता है। एक भाई साहब आओ कर रहे हैं और साथ में हमारे दोस्त करण जी साथ में भी कर रहे हैं। To leave this town, 'cause lately I've been feeling down. The cold nights just don't feel the same. Oh, pack my life inside a car, hit the button, drive real far. Put that record on the night. दिखाए एक्सरसाइज के लिए कुछ करके, अब मैं करके एक्सरसाइज दिखाता हूँ और जो भी वीडियो देख रहे हैं तो ये एक्सरसाइज मैं फिटनेस ट्रेनर नहीं हूँ जिससे कि मैं इसे सही ढंग से करके दिखाऊं, ये मैं दिखा रहा हूँ बस दिल्ली का पार्क कि कैसे दिल्ली के लोग यहाँ पे बहुत ही डिफरेंट टाइप के लोग बहुत अच्छा अच्छा पार्क बनाया है। आप लोग भी अगर दिल्ली कभी आते हैं घूमने के लिए तो आप लोग को ऐसा पार्क देखने को मिलेगा। Thank you.
dame toda la noche. No nos queda mucho tiempo más. No quiero perder lo que queda. ज्वाइन करते हैं ना तो उसका देखिए वेट होता है, किसी का 5 kg है, किसी का 10 kg है। तो जैसे जैसे लोग जिम में एक्सरसाइज करते हैं तो जो जितना वेट वो सह पाते हैं उनको ऐसा वेट दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे मोटा मोटी अच्छा है इसमें, मतलब कि अच्छा शरीर, और रेगुलर जो भी चीज़ आप करते हैं उसको कंटिन्यू कीजिएगा तो काफ़ी अच्छा हो सकता है इसमें। अगर डेली आप एक्सरसाइज करने आते हैं तो आपका शरीर काफ़ी मजबूत हो सकता है और काफ़ी फिट हो सकते हैं। बिहार की तरफ से अच्छा। तो IPL में अभी आपको काफी मौका मिला है कभी IPL में खेलने? IPL में अभी जूनियर लेवल पे खेल रहा हूं। अच्छा, अभी जूनियर लेवल पे भैया खेल रहे हैं। आई होप, हमको लगता है कि आगे चल के ये IPL में इनको IPL में खेले और आगे अपना नाम रोशन करें। तो ये देखिए अभी यहाँ पे काफी, एक बार दिखा दो यहाँ पार्क में, तो देखिए काफी भाई, काफी लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मुझे भी मौका मिले क्रिकेट खेलने के लिए। और ये काफी बड़ा है कि यहाँ पर जो केजरीवाल सरकार ने बस सेवा महिलाओं के लिए और 200 यूनिट तक बिजली फ्री और पानी फ्री कर रखा है। तो भैया ये जो केजरीवाल सरकार है जो कि यहाँ पर महिलाओं के लिए 200 यूनिट बस सेवा फ्री कर रखी है और 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखा है और पानी फ्री कर रखा है, क्या ये सेवा आपको मिल रही है? मिल रही है। तो हाँ, तो किस तरह से आपको सेवा मिल रही है? जैसे कि आपका खुद का घर है यहाँ पर? अपना प्लॉट है। अच्छा अच्छा, तो देखिए इनका खुद का प्लॉट है इसलिए इनको सुविधा मिल रही है। आओ, काफ़ी लोग से बात करते हैं। सर, आपको ये जो सेवा है यहाँ पे केजरीवाल का जो नियम लागू हुआ है इसका सेवा आपको मिल रही है, क्या क्या परेशानी आ रही है आपको? तो परेशानी यही है, हमें सबको कुछ नहीं मिल रहा है ना, राशन मिला अभी तक, नहीं 1 रुपया मिला, कुछ नहीं मिला। इतना लॉकडाउन चला गया, भूखे मर गया यहाँ बंदा, और क्या होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे जो ये मैसेज देख रहे हो, मैं अपाहिज हूँ, मुझे कुछ नहीं मिल रहा है, देख लो। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ये भैया बोल रहे हैं कि मतलब ये जो केजरीवाल का जो राशन कार्ड, ये राशन कार्ड जो मैसेज के मोबाइल के थ्रू दे रहे थे वो इसमें 3 महीने का आपको नहीं दिया? 1 महीना दिया, अब हुआ 2 बार दिया नहीं। अच्छा अच्छा, एक ही बार दिया। तो देखिए सभी लोग के साथ किन्हीं को 2 बार मिला, किसी को 1 बार मिला, जो यहाँ पे मैसेज के थ्रू मैसेज कीजिए और यहाँ पे राशन मिलेगा। तो इनको भी अंकल जी को 1 बार मिला, कभी 2 बार नहीं मिला। तो बहुत सारी ऐसी परेशानी, मैंने सोचा कि इस पार्क में काफ़ी लोग आते हैं लेकिन आज किसी कारण बस लोग दिख ही नहीं रहे मेरे को। तो जो मैं 1-2 लोग मिले उनसे मैं सवाल पूछा, तो मैं अपने तरफ से बताता हूँ कि यहाँ पे जो दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने यहाँ पे 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर रखा है और पानी फ्री कर रखा है और महिलाओं के लिए बस फ्री कर रखा है। ये सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी पानी और बिजली फ्री कर रखा है ये सिर्फ मकान मालिक, जिसका खुद का यहाँ पे घर है उन्हीं को ये सुविधा मिल रही है। जैसे कि मैं भी यहाँ पर किराए पे रहता हूँ तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जो भी किराएदार हैं उसको कभी यहाँ पे 200 यूनिट का भी मकान मालिक यहाँ प्राइवेट मीटर लगा रखे हैं और जितना भी यूनिट उठता है 8 रुपये यूनिट यहाँ पे चलता है दिल्ली में, और 8 रुपये के हिसाब से मकान मालिक यहाँ पर लोगों से, किराएदार से यहाँ से उस पर जो भी इसका यूनिट के हिसाब से जो भी किराया आता है उसका बिजली बिल का किराया लेते हैं। बात रही पानी फ्री का, तो पानी फ्री यहाँ पर नहीं है, लोग किराएदार से यहाँ पर पानी का भी पैसा ले रहे हैं। और आप लोग अब लास्ट में बात करते हैं, महिलाओं के लिए बस सेवा फ्री यहाँ पर सुविधा मिल रही है। हाँ, एक बात को मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो महिलाएं हैं उनके लिए बस सेवा बिल्कुल ही फ्री मिल रही है, लेकिन इसमें मुझे एक इस बात को यहाँ पे फ्री, देखिए केजरीवाल सरकार ने फ्री कर रखा है, ये मेरे को सही नहीं लगा, क्योंकि आप सोच लीजिए कि जनता का जो पैसा आता है उसी से ये स्टेट का डेवलप होता है, विकास करता है, लेकिन जब जनता का पैसा आएगा ही नहीं तो कैसे डेवलप होगा। मैं ये भी देखा हूँ कि आज के डेट में महिलाओं के लिए मान के चलिए यहाँ से 500 मीटर आपको जाना है तो उससे भी डीटीसी बस से सफ़र कर लेती है। तो मुझे ये नहीं सही लगा, इसमें पैसा लेना चाहिए, आधा पैसा तो लेना ही चाहिए। हर एक युवा को, हर एक बच्चे को क्रिकेटर बनने का शौक होता है, लेकिन इंडिया में मुश्किल नहीं नामुमकिन है क्रिकेटर बनना। तो आइए आप लोगों को 1-2 बॉल करके दिखाते हैं और इन सब बच्चों के साथ ये क्रिकेट खेल के दिखाते हैं और बहुत मजा आता है क्रिकेट खेलने में। कैच कर लो। There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the- video
वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। और आप लोगों का ये पार्क ऐसे दिल्ली में ऐसी तमाम पार्क है और मैं चाहूँगा कि हर एक स्टेट में, हर एक जिला में, हर एक गांव में ऐसा पार्क बनना चाहिए जिसमें काफ़ी अच्छा पार्क, हर एक तरह का फूल है, हर एक तरह का एक्सरसाइज करने का, हर एक एक्सरसाइज करने का टूल्स है। तो ये हर एक स्टेट में, हर एक गाँव जिला में होना चाहिए। ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चल फिर किसी नए वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल और दूसरों ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ये बिल्कुल फ्री है।